वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज छे पो सिख इतिहास के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण अहम दिहाड़ा है। किसी लिए भी अपना घर छड़ना, अपना परिवार छड़ना, अपनी जायदाद छड़नी बहुत औखी होंगी है। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अज के दिन आनंदपुर साहब के किले नूं ते आनंदपुर साहब के अपने वसेवे नूं त्यागिया। कई महीने मुगलों के पहाड़ियों दियां सांझियां फौजां ने श्री आनंदपुर साहब नूं घेरा पाई रखिया और इस घेरे दौरान कई बार लड़ाई होई, जिस विच धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के प्राणों तो प्यारे सिखां ने महान कुरबानियां दित्तियां। आखिर 6-7 पो की रात नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री आनंदपुर साहब का अपना वसेवा जिहड़ा सी उह छड्ड दित्ता। बड़े मुश्किल हालात सी। जदों असीं इतिहास ते झात मारदे हां, एक पोह दी सर्द रात, कड़ाके दी ठंड, धुंद दा पसारा और सरसा दा अगे आउणा ते दुश्मन दीआं फौजां दा घेरा, पर इस सारियां मुश्किलां नूं पार करदे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गढ़ी वल आए। बेशक सरसा पार करदे हां, सतगुरां दा परिवार विछड़िया, केवल परिवार ही नहीं विछड़िया बल्कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्राणों तो प्यारे सिंघां ने अपनी महान शहादत भी दिती और बहुत वड्डा कीमती खजाना, खास तौर के उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वालों जां उन्हां दी निगरानी विच रचिया साहित सरसा पार करते वक्त दरिया बुरद हो गया। ये बहुत वड्डा घाटा हुंदा है किसी भी कौम वास्ते, किसी भी देश वास्ते, जदों उहदा अमोदक साहित जिहड़ा है वह बर्बाद हुंदा है। चाहे वह दरिया के रुड़ जाता है, चाहे वह अगां ला के साड़ दिता जाता है, जिमें किसी वेले नालंदा ते तकसला दीयां यूनिवर्सिटियां साड़ियां गई, या सन 1984 दे विच सिखां दा साहित, सिखां दा इतिहास, सिखां दा लिटरेचर जिहड़ा सी लाइब्रेरी दे विच पिया होया उसनू अग ला के साड़ दिता गया। तो अज दे दिन सरसा दे विच बहुत सारा सिख साहित जिहड़ा सी वह दरिया बुरद होया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का परिवार विछड़िया, वड्डे साहबजादे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल ते छोटे साहबजादे माता जी के नाल दिल्ली वल नूं चले गए। ये औखी रात सी जे असी दुनियावी नज़र दे नाल देखिए, पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिहड़े अकाल पुरख सरूप सन ते अकाल पुरख का हुक्म जिन्हां लई परम सत सी, उन्होंने एडे औखे हालातों के भी उस अकाल पुरख के सबर नूं, उस अकाल पुरख वल्लों दित्ते हुक्म नूं सत करके मन्निया और सानूं सिखाया कि किस तरह मुश्किलों के भी सबर रखना ते उस अकाल पुरख के हुक्म नूं सत करके मनना सिख लई कितना अहम है और कितना जरूरी है और कितना सुख बख्शदा, कितना सुकून बख्शदा है। असी अज इस महान पावन अहम दिन नूं याद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।